छह साल की उम्र में छोड़ा घर, योगी के है करीबी, अब संभालेंगे राजस्थान, कौन है बाबा बालकनाथ? योगी 2.0 कह लीजिए या राजस्थान के योगी कह लीजिए, बाबा बालकनाथ का जलवा इस वक्त ऐसा देखने को मिल रहा है कि महारानी वसुंधरा राजे भी इनके सामने फेल हो गई है। सीएम बनने की खबरों की वजह से भी बाबा बालकनाथ को खूब लाइमलाइट मिल रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है बाबा बालकनाथ जिन्होंने सबकी नींद उड़ा रखी है और जिनका खूब नाम भी हो रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में किसका जादू चलेगा ये तो 3 दिसंबर के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले आए आंकड़ों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। एग्जिट पोल में आए आंकड़ों की माने तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं सर्वे में आए सीएम के चेहरे को लेकर भी ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरत में चले गए। बाबा बालकनाथ जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि वो सीएम की पसंद है। कौन है बाबा बालकनाथ? राजस्थान में बालकनाथ की खूब चर्चा है। उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है क्योंकि उनका अंदाज और कपड़े पहनने का तरीका सीएम योगी की तरह ही है। बालकनाथ का जन्म 6 अप्रैल 1984 में राजस्थान के अलवर जिले में हुआ। उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। बालकनाथ योगी अलवर से सांसद है। पूरे राजस्थान में उनका डंका बजता है, खास करके अलवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बालकनाथ की मजबूत पकड़ है। बीजेपी की तरफ से बालकनाथ हिंदुत्व वाले एजेंडा पर फिट बैठते हैं। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह कपड़े पहनते हैं, इसलिए लोग उन्हें राजस्थान का योगी भी कहते हैं। महंत बाबा बालकनाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत है। 6 साल की उम्र में छोड़ा घर, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बाबा बालकनाथ ने केवल 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। बचपन में बालकनाथ को खेतानाथ गुरुमख नाम से बुलाते थे। फिर खेतानाथ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो महंत चांदनाथ के पास चले गए, तब यहाँ से उन्हें मिला उनका नाम बालकनाथ। उनका नेचर देखकर महंत चांदनाथ उन्हें बालकनाथ कहने लगे। फिर महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। योगी आदित्यनाथ के करीबी, बालकनाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा वस्त्र धारण करते हैं और तो और अपने बेबाक अंदाज की वजह से बालकनाथ चर्चा में भी रहते हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उनका समर्थन करते भी नजर आए थे। फिलहाल आपको बता दें कि जनता बालकनाथ को सीएम के तौर पर देखना चाहती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर राजस्थान बीजेपी जीत जाती है तो बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बालकनाथ को बीजेपी सीएम बनाएगी अगर राजस्थान जीत जाती है तो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।